इस समय सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी हमारे साथ हैं। पेपर लीक का मामला बहुत जोर शोर से चल रहा है, ऐसे में इनके पुराने साथी रहे ओम प्रकाश राजभर के विधायक बेदी राम जी फंसते नजर आ रहे हैं, उनका स्टिंग ऑपरेशन हो चुका है। ऐसे में हम महेंद्र राजभर जी से जानते हैं कि यह बेदी राम जी के साथ काम किए हैं, उनकी पार्टी में रहे हैं, क्या उनका रहा है चाल चरित्र और किस रूप में इस मामले को देख रहे हैं? जी महेंद्र जी बताएं। धन्यवाद। रहा सवाल जो आपने अभी जिक्र किया बेदी राम जी का कि लंबे समय तक आप लोगों के साथ संघर्ष किए हैं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं। 2022 में जब गठबंधन समाजवादी पार्टी से हुआ, गठबंधन के बाद इनको ये लगा कि शुभ भाजपा में हम चले जाएंगे तो पैसे के दम पर टिकट पा जाएंगे। शुभ भाजपा उन्होंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद ओम प्रकाश राजभर जी थोड़ा सा उनको रेस किए। जब हम कार्यकर्ताओं को ये लगा कि ऐसे धुर्तबाजों का पार्टी में एंट्री जब हो रहा है तो हम कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। हम लोगों को ये पता था जिसके ऊपर नौ नौ मुकदमे हों, अब विभिन्न प्रदेशों में मुकदमे हों, वैसा आदमी अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में ज्वाइन करता है टिकट के लिए, विधायक बनने के लिए, वैसे विधायक से समाज या समाज के लोग कौन सा उम्मीद कर सकते हैं, और वैसे नेता से जो नेता खुद घूम करके इस बात को कह रहा है, हर कार्यक्रमों में घूम करके बोल रहा है कि भाई गरीबों अपने बेटा और बेटी को पढ़ाओ, नौकरी दिलवाने वाला आपके साथ है, हम नौकरी देने वाले को पकड़ करके ला रहा हूं। अब उसमें गवाही की क्या जरूरत है? मुदई और मुदाले दोनों लोग तो एक साथ हैं। अब उसमें सरकार को फैसला लेकर के मुकदमा दर्ज करा करके और जेल भेजना चाहिए, दोषी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एनडीए गठबंधन में अगर कार्रवाई नहीं होता है तो हमारे जैसे कार्यकर्ता इस बात को मान लेगा कि भारतीय जनता पार्टी में वॉशिंग मशीन है जो एनडीए गठबंधन में जाता है, दोषी भी जाता है वॉशिंग मशीन में चला जाएगा, वो धुल करके साफ हो जाएगा। इस नाते आप लोगों के चैनल के माध्यम से सरकार तक जानकारी दिलवाना चाहता हूं कि सरकार ऐसे दोषियों के ऊपर कार्रवाई करे और दोषी को जेल जाना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जी हर मुद्दे पे काफी मुखर होकर बोलते हैं, इस मुद्दे पे चुप है, आपको क्या लग रहा है? उनको सफाई देनी चाहिए इस मुद्दे पे आकर। वो कहाँ सफाई देंगे, वो तो खुद बोलते हैं कि लाखों लाखों नौजवानों को बेदी राम ने नौकरी दिया है, खुद इनका स है बेदी राम पर, बेदी राम का स है इनके ऊपर। वो आदमी खुल करके का सफाई दे सकता है? वो तो चोर चोर मौसेरा भाई होते हैं, वो दोनों लोग एक ही हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों लोग एक ही हैं, उसमें अंतर नहीं है। ओम प्रकाश राजभर को रुपया चाहिए, टिकटार्थी लोग पैसा लेकर के घूम रहे हैं टिकट के लिए, उनके पास बस ये कहीं ऑप्शन है कि समाज हमारा हमारे साथ रहे, ताकि समाज को सुहेल देव के नाम पर गोलियां करके हम समाज का सौदा करते रहे। ये ओम प्रकाश राजभर का चाल और चरित्र है। इस नाते बेदी राम को तो जेल जाना ही जाना चाहिए, बेदी राम के सरगना को भी जेल जाना चाहिए। मतलब आप सरगना किसको कह रहे हैं? क्या इस मामले में ओम प्रकाश राजभर की भी संलिप्तता आपको नजर आती है क्या? एकदम 100% है, इसमें कहीं 1% नहीं, कहीं कोई कोर कसर नहीं है, 100% है। आपने सुना होगा, ये खुद बयान दे रहे हैं कि नौकरी दिलवाने वाला आपके साथ, आज देने वाले को पकड़ ला रहा हूं। आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए, अब वीडियो निकाल करके आप देखिए, उसमें सब एकदम है, उसमें कोई ये नहीं है, उनके एफआईआर की कॉपी भी वहां है, जिस विधायक के ऊपर नौ नौ मुकदमे दर्ज हों, जेल भी जा चुका हो, वैसे व्यक्ति को टिकट देने का क्या मतलब है? हजारों कार्यकर्ताओं का उन्होंने जखनिया में वध किया, जखनिया इनकी सिटिंग सीट थी, सिटिंग का विधायक इनको नहीं दिखा, इनको तो रुपया दिख रहा था कि हमको रुपया कैसे अधिक से अधिक मिलेगा, अपराध चाहे जितना भी उसके पास हो, इनको रुपया चाहिए। रुपया लिए, टिकट दिए, आवाज कहीं लिए, आज भाई आज ज्यादा कर रहे हैं, जाए लोग जेल।
जेल जाना चाहिए, सरकार को कार्रवाई करके जेल भेजना चाहिए। इस मामले में देखा जाए तो सरकार भी काफी मौन नजर आ रही है, अभी किसी तरफ से कोई न तो जांच चल रही है, न तो मुकदमा दर्ज हुआ, न किसी प्रकार कोई कार्रवाई हो रही है। इस संबंध में आपको क्या कहना है? देखिए, अगर कार्रवाई नहीं होता है तो इस बात को इसको हम लोग ये मान लेंगे कि सरकार के सह पर ये काम पेपर लीक का हो रहा था, नहीं तो ऐसे दोषी विधायक को विधायक के ऊपर कार्रवाई करके जेल भेजवाना चाहिए। अभी जो नवागत सांसद हुए हैं, अभी उनका भी बयान आया है, ओम प्रकाश राजभर को कह रहे हैं कि यह गिरोह के सरदार हैं। आपके बड़े पुराने साथी रहे ओम प्रकाश राजभर जी, आपका इस संबंध में क्या विचार है? देखिए, जो वर्तमान के सांसद हैं, नवनिर्वाचित जो सांसद हुए हैं माननीय राजू राय जी, जो उन्होंने बयान दिया है, गलत बयान नहीं दिए हैं, वो सही बयान दिए हैं। और जो सरगना बताए वो गलत नहीं है, वो सही है। तो ये थे हमारे साथ सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर। जहां एक तरफ ये बेदी राम, जो अभी पेपर लीक मामले में उनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, खुलकर उनके विषय में बोल रहे हैं, वहीं ओम प्रकाश राजभर को भी दोषी ठहराते हुए दोनों लोगों को जेल भेजने की मांग कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।